So, very good morning, student. Today is 25-2020, and in today's class, we will discuss about the construction and working principle of Pelton turbine. Working principle of Pelton turbine. In my previous lecture, we have already discussed about the basic overview of hydroelectric power plant. We have already discussed about the layout of the hydroelectric power plant. So now this is the very important question which is coming in every year of the semester question, that what is the construction and the working principle of Pelton turbine. So here it's a diagram of the basic Pelton turbine plant. Right. So, you know that it is a very similar diagram of the similar layout diagram of the oil hydraulic power plant. Right. Hydroelectric power plant. And you know that this is a construction dam. This is a dam. This is a head race. This is head race. You already know what is the meaning of head race. What is the meaning of pail race? And what is the why we will use the dam? What is the meaning of penstock? Everything I have already discussed. I have just only discuss about the working principle and what are the construction of the Pelton turbine. So here it's a yahan pe jo liquid mera reservoir means dam mein jo mera water store hoke pad rehta hai, to jab mera dam ka gate open hota hai by automatically the to by manually jo hum log dam ka gate open karte hai, to penstock ke through se, penstock means the large diameter pipe, to penstock ke through se मेरा जो फ्लूइड है वो फ्लूइड पेनस्टॉक को क्रॉस करते हुए, पेनस्टॉक के अंदर से पास करते हुए वो फ्लूइड जाके नोजल पे आता है, और नोजल में अचानक से सडनली क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होने के वजह से वो नोजल से एक वेलोसिटी गेन करता है, क्योंकि एरिया अगर रिड्यूस हो जाएगा तो वेलोसिटी मेरा बढ़ जाएगा, तो वो नोजल से मेरा वेलोसिटी बढ़ जाता है फ्लूइड का. जब फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाता है वो जाके पेल्टन टर्बाइन का जो ब्लेड से उस ब्लेड पे जाके मेरा स्ट्राइक करता है, और ये जब स्ट्राइक करता है ये ब्लेड मेरा रनर के साथ अटैच्ड हुआ रहता है, तो ये ब्लेड भी जब स्ट्राइक करता है तो ब्लेड मेरा इस पोजीशन में मूव करता है, फिर दूसरा ब्लेड आता है वही पोजीशन में, फिर दूसरा ब्लेड में स्ट्राइक होता है तो दूसरा ब्लेड फिर नेक्स्ट पोजीशन में जाता है. तो इस तरीके से कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग के वजह से पेल्टन टर्बाइन में एक रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, लीनियर स्ट्राइक की वजह से रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, और ये रनर के साथ जो मेरा शाफ्ट कनेक्ट रहता है वो शाफ्ट मेरा अल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ कपलिंग होकर रहता है, और वो अल्टरनेटर के थ्रू से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. सो दिस इज अ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टर्बाइन. यहाँ पे मुझे बुकिश लैंग्वेज का जरूरत नहीं है, बस अगर मुझे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टर्बाइन अगर पेल्टन टर्बाइन अगर बोलेगा तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजी. एजी मीनिंग इज ग्रॉस हेड. ग्रॉस हेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस हेड. मीनिंग ऑफ द ग्रॉस हेड इज इजी इफ इट इज द बेस लेवल ऑफ दिस पावर प्लांट, एंड फ्रॉम द बेस लेवल द डिफरेंस बिटवीन द टॉप लेवल ऑफ द डैम मींस द टॉप लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर to the base level of the plant, this is the distance, this is the height, right? So itna height mein agar mera fluid hai, obviously ye fluid obviously is tarike ka hai, right? To itna height mein mera jo fluid hai wo fluid ke andar mera potential energy sabse zyada hoga, kyunki agar height mera zyada hai, because we know that potential energy is equal to p is equal to m into g into h, so potential energy depends on the height basically. So हाइट मेरा यहाँ पे बहुत सब जितना ज्यादा होगा उतना मेरा फ्लूइड के अंदर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता रहेगा. अब व्हेन वी विल जस्ट ओपन द कंस्ट्रक्शन डैम गेट, डैम का अगर गेट मैं ओपन कर दूंगा तो मेरा पेनस्टॉक के अंदर में वो फ्लूइड क्रॉस कर पास करना शुरू करेगा. तो वो फ्लूइड कैसे पास करेगा, एज यू नो दैट यहाँ पे जब वो फ्लूइड था, दिस इज माई सेक्शन वन, यहाँ पे जब मेरा फ्लूइड था तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी गेन था, फ्लूइड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मेरा स्टोर था. तो एज यू नो दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इनर जब वो फ्लूइड पेनस्टॉक के अंदर से पास करने का कोशिश करेगा तो उस टाइम उस पोटेंशियल एनर्जी कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट होगा. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्लूइड हैज अ लॉन्ग डिस्टेंस पेनस्टॉक,
वो फ्लूइड को पेनस्टॉक को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके वो नोजल तक पहुंचेगा। इस बीच में कहानी है, क्या कहा कंसेप्ट है कि पेनस्टॉक का जो इंटरनल सर्कमफेरेंशियल एरिया है, उस इंटरनल सर्कमफेरेंशियल एरिया के अंदर से जब मेरा फ्लूइड पास करता जाएगा तो फ्लूइड जितना हेट, जितना एनर्जी लेके वो पास का पेनस्टॉक के अंदर एंट्री किया था, उतना हेट लेकर नोजल से वो नहीं निकल, उतना हेट लेके नोजल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस में इंटरनल सर्कमफेरेंशियल एरिया के साथ फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स का लगातार फ्रिक्शन के वजह से एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो मेरा हेट, जो मेरा एनर्जी लेके वो एंट्री किया था फ्लूइड, वो एनर्जी मेरा फ्लूइड के अंदर नहीं रहेगा इतना तक, तो ये नहीं रहेगा, मीन सडन लॉसेस होगा। व्हिच टाइप ऑफ लॉस? दैट इज एजीएफ। व्हिच दिस मीन एजीएफ? मींस दिस इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट? सो कितना मेरा एनर्जी लेके एक्चुअल मेरा फ्लूइड नोजल तक पहुंचा वो निकालने के लिए मेरे पास था Hg, मेरे पास कितना लॉसेस हुआ Hf, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू इज नेट हीट का वैल्यू है Hn, सो Hn का फार्मूला मैं कैसे निकाल पा रहा हूं? Hg माइनस Hf अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो Hn मुझे अगर मिलेगा तो इतना हाइट का एक्चुअल एनर्जी मेरा नोजल तक पहुंचा। अब नोजल में पहुंचने के बाद जब नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज इक्वेशन, क्वांटिटी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज इक्वेशन, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, मींस एरिया अगर मेरा रिड्यूस होगा तो मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे नोजल का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है, राइट? कुछ इस तरीके का क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे एरिया रिड्यूस होता है, एरिया रिड्यूस हो जाएगा मतलब फ्लूइड का जो वेलोसिटी वो इंक्रीज कर जाएगा, और मेरा जो नेट हेट जितना एनर्जी था वो जो टोटल एनर्जी वो मेरा बेसिकली प्रेशर एनर्जी एंड वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो नोजल से निकल के टर्बाइन का जो रनर के साथ जो मेरा ब्लेड अटैच्ड हुआ है उस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और जब ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ब्लेड एक कंटिन्यूअस मूवमेंट देगा, जो लिनियर मूवमेंट, लिनियर स्ट्राइक मेरा रोटेशनल मूवमेंट देगा, और उसके वजह से मेरा रनर रोटेट करेगा, और रनर के साथ जो मेरा ऑल्टरनेटिव में शाफ्ट कनेक्ट हुआ है वो मेरा शाफ्ट रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा वो शाफ्ट ऑल्टरनेटर के साथ कपलिंग करके रखा हुआ रहता है, तो मेरा ऑल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट करता है, तो जिसके वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, या तो मैं बोल सकता हूँ मेरा पावर जेनरेशन होता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पेल्टन टर्बाइन। नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन? बिकॉज़ ये जो ड्राइंग हम लोगों को बैरो में बोल रहे हो कि अगर सेमेस्टर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लीज डिफाइन ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेल्टन टर्बाइन, एट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट? एंड आफ्टर यू ड्रॉइंग दिस डायग्राम यू हैव टू जस्ट डिस्क्राइब इन योरसेल्फ, describe in your language, क्योंकि अगर तुम bookish language use करोगे that must be boring, so at first you understand what is the concept of this power plant, so you have to just write in your own language how the what is the meaning of heat rays, at first you define the what is the meaning of heat rays, what is the meaning of penstock valve, what is the meaning of KC, this is a turbine runner, and after that you just define Hg, Hf and Hn, and then just briefly describe the working principle of this Pelton turbine pump, I mean power plant. Okay, so now I will come to the specification part of the Pelton turbine. So what are the specifications of Pelton turbine? Specifications. So first of all, which type of turbine we are using? So types of turbine. What type of turbine we are using? We are using impulse turbine, right? So type क्या specification है? Impulse type of turbine हम लोग use कर रहे हैं. What is the types of flow? Types of flow मतलब jet मेरा blade पे जाके किस तरीके से strike कर रहा है. तो types of flow में ये है मेरा tangential flow. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टर्बाइन, टाइप्स ऑफ फ्लो के बाद उसके बाद हेड अवेलेबल, क्योंकि पिछला जो मेरा क्लास में जब मैंने बोला था कि सिलेक्शन ऑफ द टर्बाइन, तो सिलेक्शन ऑफ द टर्बाइन मेरा हेड एंड डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग टर्बाइन को बहुत सारा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और हर एक सिंगल सिंगल पैरामीटर के लिए कौन सा क्या टर्बाइन यूज होता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था मेरा पिछला क्लास में।
तो उसी के बेसिस पे हम लोग कोई भी टर्बाइन को अगर मैं सिलेक्शन करना चाहता हूं तो एट फर्स्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिकेशन व्हिच टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन वी आर यूजिंग फॉर गेटिंग द एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन और फॉर गेटिंग द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द टर्बाइन शेल सो वी हैव टू डिफाइन दीस आर टाइप्स ऑफ टर्बाइन types of flow and what is the head available. Head available. So it is more than 250 meter. So more than 250 meter means this AG should be the maximum more than 250 meter. ये जो head dam है, ये जितना मेरा height होगा, उतना मेरा टर्बाइन का एफिशिएंसी उतना मेरा पेल्टन टर्बाइन का एफिशिएंसी उतना मेरा ज्यादा होगा उतना मेरा मैक्सिमम होगा तो हेड अवेलेबल कितना होगा होना चाहिए मोर देन 250 मीटर नेक्स्ट रनर शाफ्ट नाउ दिस इज द वेरी इंटरनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द पेल्टन टर्बाइन रनर शाफ्ट का क्या है रनर शाफ्ट का मतलब देयर शुड बी द जनरली हॉरिजॉन्टल एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज द स्पेसिफिक स्पीड कितना होना चाहिए स्पेसिफिक स्पीड इसका 10 to 60 rpm 10 से लेकर 60 रोटेशन पर मिनट नेक्स्ट वर्किंग स्पीड ऑफ द टर्बाइन कितना स्पीड में मेरा टर्बाइन मैक्सिमम रोटेट कर सकता है वर्किंग स्पीड WA इज वर्किंग स्पीड ऑफ टर्बाइन Working speed of the turbine equals to 60 to 10,000 rpm. Okay, working speed of the turbine is 60 to 10,000 rpm. Next, which type of discharge we are used? That is low discharge. Next, water power developed. क्या develop होता है क्योंकि thermal power plant में हम लोग steam power develop करते हैं. यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग क्या पावर डेवलप करते हैं वाटर पावर डेवलप करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या पावर डेवलप करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग न्यूक्लियर पावर डेवलप करते हैं ठीक है सो हियर वी कैन डेवलप द वाटर पावर सो वाटर पावर डेवलप मींस डायमीटर ऑफ व्हील और रनर डायमीटर ऑफ व्हील/रनर ओके व्हील और रनर का डायमीटर कितना होगा नंबर ऑफ बकेट्स नंबर ऑफ जेट एंड नंबर ऑफ ब्रेकिंग जेट ये ब्रेकिंग जेट के बारे में जब मैं कंपोनेंट्स में पढ़ूंगा मींस कंस्ट्रक्शन में जब स्टडी करूंगा उस टाइम में दिखाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग जेट सो नंबर ऑफ ब्रेकिंग जेट मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लेना तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टर्बाइन व्हिच टाइप ऑफ टर्बाइन वी आर यूजिंग इंपल्स टर्बाइन व्हिच टाइप ऑफ फ्लो वी आर यूजिंग टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन व्हिच टाइप ऑफ हेड अवेलेबल इज इन द टर्बाइन फ्रॉम मोर फ्लो मोर देन 250 मीटर इज यूज्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनर शाफ्ट द रनर शाफ्ट शुड बी द जनरली हॉरिजॉन्टल स्पेसिफिक स्पीड 10 to 60 rpm working speed of the turbine that is 60 to 10,000 rpm what will be the discharge will be low water power developed diameter of wheel or runner number of bucket number of jet and number of breaking jet these points are considered as a, also the part of the specification but as we are using the dummy layout power plant so we are just given blank here But when at the actual problem of the plant, when they are drawing or they are getting some layout of the power plant and they are initiating to install the turbine, that time these points are very much required. First, types of turbine, types of flow, head available, runner shaft, specific speed, working speed of turbine, discharge, water power developed, diameter of wheel or runner, number of buckets, number of jet, and number of breaking jet. So these are the specification of the Pelton turbine. Okay. So now I will discuss about the construction of Pelton turbine.
सो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, पेल्टन टर्बाइन का कंस्ट्रक्शन में क्या क्या, मतलब या तो मेन पार्ट्स ऑफ पेल्टन टर्बाइन अगर हम लोग बोलेंगे तो मेन पार्ट्स में मेरा क्या आता है, फर्स्ट आता है मेरा नोजल विथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, नोजल विथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, नोजल विथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। सेकेंड मेरा क्या आता है, सेकेंड मेरा आता है रनर एंड बकेट्स, रनर एंड बकेट्स। थर्ड मेरा क्या आता है, थर्ड मेरा आता है केसिंग, एंड फोर्थ मेरा आता है ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ओके। सो एट फर्स्ट नोजल विथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट, इसको हम लोगों को देखने के लिए हम लोग ये वाला पिक्चर में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, ओके। देखो यहां पे जो पेन स्टॉक से मेरा फ्लूइड आ रहा है, फ्लूइड के पेन स्टॉक के सामने एक नोजल रखा हुआ है, और यहां पे भी वही चीज को ड्राइंग किया गया है थोड़ा जूम करके, और इस नोजल के साथ में एक स्पीयर रॉड लगा हुआ है, स्पीयर रॉड के एंड में एक व्हील लगा हुआ है, और एक एंड में एक व्हील लगा हुआ है, और दूसरा एंड में एक नीडल या स्पीयर टाइप का लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, दैट इज माय मेन क्वेश्चन, और किस तरीके से ये काम करता है ये हम लोग देखेंगे। देखो एक नोजल इज फिटेड एट दिस नोजल इज फिटेड एट द एंड ऑफ द पेनस्टॉक। तो मैं अगर नोजल के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट वेयर इट इज फिटेड, देखो इसको लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वेयर इट इज फिटेड एंड ऑफ द पेनस्टॉक, एंड ऑफ द पेनस्टॉक, राइट। सो पेनस्टॉक के एंड में एक नोजल लगा हुआ रहता है, जो नोजल मेरा क्या काम करता है, ये नोजल काम करता है जो पेनस्टॉक से मेरा जो फ्लूइड आ रहा है उस फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी को उसको कन्वर्ट करता है मेरा काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फ्लूइड का बढ़ जाता है, और वो एज ए जेट की तरह जाके वो टर्बाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करता है। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नोजल, राइट। ये फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मान लो मुझे अगर कम स्पीड का मुझे जेट चाहिए या ज्यादा स्पीड का जेट चाहिए, मतलब काइनेटिक के फ्लूइड के अंदर जो जेट मेरा टर्बाइन का ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा वो जेट का काइनेटिक एनर्जी मुझे रिड्यूस करना है या काइनेटिक एनर्जी को मुझे अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग पेनस्टॉक के नोजल के साथ एक स्पीयर रॉड को कनेक्ट करते हैं, राइट। ये स्पीयर रॉड मतलब ये रॉड रोटेट करता है इस तरीके से कंटिन्यूअस मोशन में, स्पीयर रॉड को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ये स्पीयर रॉड का एक एंड में एक व्हील लगा हुआ रहता है और दूसरा एंड में एक नीडल लगा हुआ रहता है। तो अब सोचो ये व्हील अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये हाँ क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो ये व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तब क्या होगा, ये जो नीडल का मूवमेंट है, नीडल का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब नीडल का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ये मेरा नोजल है और ये मेरा अगर नीडल है, राइट, ये मेरा अगर नीडल है, तो इसका अगर फॉरवर्ड मोशन मूवमेंट के वजह से ये जो मेरा एरिया है, मतलब ये जो मेरा एरिया है, ये मेरा क्या काम करता है, ये मेरा स्पीड का जेट का वेलोसिटी को मुझे जेट का वेलोसिटी को क्या करेगा, जेट का वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा। और अगर मैं उसको नोजल को बैक साइड में करता हूं, मींस एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में रोटेट करता हूं, तो ये जो नोजल जो नीडल है, ये नीडल बैकवर्ड मोशन में मूवमेंट करेगा। बैकवर्ड मूवमेंट जब करेगा तो ये नीडल क्या करेगा, पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, तो ये जो जेट जिसके थ्रू से, जो फ्लूइड जिसके थ्रू से पास करता है, नोजल के थ्रू से पास करता है, तो अगर मेरा यहाँ पे एरिया अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा तो बेसिक मेरा एक बेसिक इमेजिनेशन करो, अगर मेरा ये नोजल अगर आगे की तरफ चल जाएगा तो मेरा एरिया क्या होगा, घट जाएगा। एरिया घटेगा तो ये मेरा क्या होगा, बढ़ गया। और जब मैं नोजल जेट का स्पीड मेरा बढ़ गया, और जब नीडल जब पीछे की तरफ आता है, बैकवर्ड मोशन में आता है, तो मेरा फ्लूइड का थोड़ा सा रॉन्ग कांसेप्ट हुआ है, जब मेरा ये नीडल सामने की तरफ जाएगा, अगर मैं बाथरूम का नल, राइट, बाथरूम का नल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, तो बाथरूम का नल से फ्लूइड मेरा
पानी मेरा बहुत स्पीड से निकलता है, और बाथरूम का नल को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो पानी मेरा थोड़ा कम स्पीड से निकलता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया गया है। अगर हम लोग व्हील को, ये जो मेरा व्हील है लगा अटैच हुआ है यहाँ पे, जो मेरा व्हील अटैच हुआ है, ये व्हील को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये नीडल सामने की तरफ जाएगा। तो जब सामने की तरफ जाएगा तो यहाँ से जो जेट निकलेगा वो जेट थोड़ा कम स्पीड में निकलेगा, थोड़ा कम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जेट निकलेगा। बट ये नीडल, इस नीडल जब जब पीछे की तरफ आएगा, जब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ये पीछे की तरफ आएगा, तब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा ये हो गया, तो इसकी वजह से मेरा क्या हुआ, फ्लूइड का जो स्पीड होगा, फ्लूइड का स्पीड मेरा बढ़ जाएगा। तो फ्लो को मेरा रेगुलेट करने के लिए ये कॉनिकल शेप का नीडल हम लोग यूज करते हैं, टू रेगुलेट द फ्लो, टू रेगुलेट द फ्लो वी यूज कॉनिकल शेप नीडल, कॉनिकल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नोजल विथ फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद हम लोग जाएंगे रनर एंड बकेट पार्ट में, तो रनर एंड बकेट पार्ट में जाने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे एक बकेट का मैंने डिजाइन ड्राइंग किया हो, राइट। तो जेट जाके देखो यहाँ से जो जेट जा रहा है, यहाँ से जो जेट जा रहा है, वो जेट जाके बकेट का बीचों बीच मेरा स्ट्राइक करता है, ठीक है। और ये पेल्टन व्हील का जो बकेट है, अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ 3D में ड्रॉइंग करने के लिए, तो ये बेसिकली हम लोग, तुम देखोगे कैसा है होता है थोड़ा सा, मान के चलो हम लोग जब घर में झाड़ू लगाते हैं, तो घर में झाड़ू लगाने के बाद एक सर्टेन कोई चीज में हम लोग वो झाड़ू को, जो गंदगी को है, गंदगी को उठाते हैं, वो उसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके का देखने में होता है, उसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके का देखने में होता है, राइट। यहाँ पे हैंडल होता है, हम लोग इस हैंडल को इस तरीके से, हम लोग इस हैंडल को यहाँ से पकड़ते हैं और हम लोग झाड़ू से वो गंदगी को उठाते हैं। ये जो शेप है, ये इस शेप को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेरिकल शेप, राइट। तो यहाँ पे जो बकेट का जो शेप होता है, वो बकेट का शेप होता है डबल हेमिस्फेरिकल, ये एक हेमिस्फेरिकल, ये एक हेमिस्फेरिकल, ये जो बकेट का शेप होता है इसको बोला जाता है डबल हेमिस्फेरिकल शेप बकेट, राइट। और ये जो सर्कुलर डिस्क है, एक ये सर्कुलर डिस्क टाइप का है, देखो अगर हम लोग इसको एक साथ ज्वाइन करेंगे इस तरीके का, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको एक सिंगल लाइन पे अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ये मेरा एक सर्कुलर डिस्क बनता है, राइट, हाफ सर्कुलर डिस्क बन रहा है। तो एक सर्कुलर डिस्क जिसमें मेरा टू हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ ब्लेड अटैच्ड हुआ रहता है, और इसको हम लोग एक ही ब्लेड बोलते हैं, इसका बीचों बीच, यहाँ पे इसका बीचों बीच एक स्प्लिटर रहता है, यहाँ पे इसका बीचों बीच एक स्प्लिटर रहता है, जहां पे जेट जाके स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद ये स्प्लिटर के वजह से सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरीके से ये हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ बकेट के लिए जो जेट मेरा स्प्लिटर में स्ट्राइक करता है, वो स्प्लिटर मेरा वो जेट को दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक एक पार्ट मेरा ऊपर वाला हेमिस्फेरिकल शेप को मेंटेन करके आगे निकल जाता है, दूसरा वाला पार्ट मेरा नीचे वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट को निकल लेकर के, हेमिस्फेरिकल वे को क्रॉस करके आगे की तरफ जाता है, राइट। ये जो मेरा है, ये जो मेरा हेमिस्फेरिकल, जो मैंने यहाँ पे हैंडल बोला हूँ ना, वो हैंडल मेरा यहाँ पे कुछ रनर के साथ इस तरीके का कनेक्ट रहता है, यहाँ पे जो ब्लेड है
वो ब्लेड मेरा एक्चुअली यहाँ पे जो बेसिकली चीज है यहाँ पे ये मेरा रनर के साथ कनेक्ट रहता है। तो ये हेमिस्फेरिकल शेप का जो बकेट है उस बकेट में बकेट का स्प्लिट एंड में जाके जेट स्ट्राइक किया, ये चीज मेरा ऊपर की तरफ रोटेट किया, ये रोटेट करने की वजह से ये रनर रोटेट किया और ये रनर के साथ जो ऑरिक हेमिस्फेरिकल यहाँ पे इस तरीके का कनेक्ट रहता है, ये पोजीशन यहाँ पे आएगा, ये पोजीशन जब यहाँ पे आएगा फिर मेरा जेट स्ट्राइक किया, ये पोजीशन फिर रोटेट किया, फिर उसके बाद इस साइड में जो मेरा सेम शेप का जो मेरा बकेट लगा हुआ रहता है वो प्लीज वो फिर यहाँ पे आ जाता है इस पोजीशन में जेट के सामने आता है, जेट का स्ट्राइक की वजह से ये फिर रोटेट करना शुरू करता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ब्लेड का रोटेशन की वजह से, बकेट का रोटेशन की वजह से मेरा ये जो रनर है, जो मेरा ये रनर है बीच का, वो रनर रोटेट करना शुरू करता है। इस रनर के साथ जो शाफ्ट है वो शाफ्ट मेरा अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट रहता है और ये अल्टरनेटर रोटेट करता है तो मेरा अल्टरनेटर का शाफ्ट रोटेट करता है तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, राइट। तो ये जो मेरा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है यहाँ पे जो मेरा ये जो एंगल बना रहा है मेरा जो मेन जेट जिस एक्सिस में, ये मेरा एक्स एक्सिस है तो जेट जिस एक्सिस में मेरा ब्लेड को स्ट्राइक कर रहा है उसके साथ हेमिस्फेरिकल बकेट का जो एंगल बनता है दैट इज थीटा। सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम 170 डिग्री टू 160 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 160 डिग्री टू 170 डिग्री ये बकेट का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 160-170 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू 10 टू 20 डिग्री मेरा होता है। तो ये थीटा का वैल्यू 10 टू 20 डिग्री होता है और मैक्सिमम बकेट का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो 160 डिग्री टू 170 डिग्री होता है और जेट जहां पे बकेट का जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर। ओके, ये बकेट किस चीज का बना हुआ रहता है, ये बकेट बना हुआ रहता है, मेरी बना हुआ रहता है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का एंड ब्रोंज, ब्रोंज का बना हुआ रह सकता है और एनी अदर एलॉय का बना हुआ रह सकता है, और एनी अदर एलॉय का बना हुआ रह सकता है। तो क्या क्या कंपोनेंट से हम लोग ये बकेट को बना सकते हैं, बकेट का जो कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट है वो है कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ब्रोंज एंड एनी अदर एलॉय। सो व्हाट इज, व्हाट विल द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द पेल्टन व्हील 160 टू 170 डिग्री, व्हाट विल द एक्चुअल एंगल with the x-axis or with the z-direction, that is 10 to 20 degree. So this is the bucket component construction. Okay. So now I will discuss about the casing. Here it is not the very important thing, right? Casing is the one thing जिसके अंदर मेरा पूरा turbine का part रहता है. This casing is made by the cast iron. Casing मतलब क्या है? जिस casing के अंदर पूरा turbine का whole part रहता है, turbine का shaft, runner and turbine का जो blades है और buckets जो हम लोग अभी पढ़े वो चीज रहता है, ये मेरा कोई फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट्स या तो मेरा कास्ट आयरन से मेरा ये बना हुआ रहता है, राइट। इट हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म, राइट, इसमें कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता, ये बस टर्बाइन शाफ्ट ब्लेड और बकेट को ढकने के लिए, उसका उसके ऊपर एक आवरण के लिए हम लोग यूज करते, कवर के लिए यूज करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केसिंग। जैसे हर एक इंजन में केसिंग होता है वैसे टरबाइन के ऊपर भी हम लोग केसिंग रखते हैं ताकि उस वो चीज को हम लोग ढकने के लिए, क्योंकि नहीं तो जो भी मेरा वाटर वहां पे जाए ब्लेड पे स्ट्राइक करे तो उसके बाद वाटर में भी स्प्लिट हो सकता है, स्प्रेड आउट हो सकता है, तो स्प्रेड आउट वाटर को एक जगह में एक्युमुलेट करने के लिए हम लोग केसिंग को रखते हैं ताकि वो ढका हुआ रहे और वो वाटर स्ट्राइक करने के बाद डायरेक्ट टेल रेस में आके जमा हो जाए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रेकिंग जेट को हम लोग यूज करते हैं, व्हिच इज लाइक दिस ब्रेकिंग जेट। ये ब्रेकिंग जेट से हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ब्रेकिंग जेट के थ्रू से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके, प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसी ब्लेड का, देखो जेट अगर ब्लेड का इधर इस साइड में अगर स्ट्राइक करेगा तो ब्लेड का रोटेशन इधर इस डायरेक्शन में होगा, और अगर वही जेट ये ब्लेड का अगर ऑपोजिट साइड में अगर डायरेक्शन करेगा तो ब्लेड का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। तो ये ब्रेकिंग जेट का हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेकिंग जेट, मान लो मेरा पेनस्टॉक से मेरा फ्लूइड जाके मेरा जेट जाके मेरा ब्लेड में स्ट्राइक किया और ब्लेड को कंटिन्यूअस मोशन में रोटेशन दे रहा है, राइट। तो अचानक से मैंने क्या किया, मैंने ये व्हील को रोटेट करके, आई मीन क्लॉकवाइज रोटेट करके मैं फ्लो को बंद कर दिया, फ्लो का जो फ्लो जो जेट का जो फ्लो है उस जेट का फ्लो को बंद करते, हम लोग बाथरूम का नल टैप को बंद करते, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके। तो हम लोग वही चीज किए, यहाँ पे बंद कर दिए।
बट अगर ये बंद हो भी गया, ये जेट का जेट अगर बंद हो भी गया तो बट अकॉर्डिंग फॉर द इनर्शिया, मास ऑफ इनर्शिया के वजह से ये टर्बाइन का ब्लेड बहुत स्पीड में रोटेट करना शुरू करता है। हम लोग जेट का स्ट्राइक नहीं करेंगे बट ये जो टर्बाइन का ब्लेड है बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट करना शुरू करता है। जैसे हम लोग क्या है, अगर मान लो बस में हम लोग चल रहे हैं और बस में अचानक से हम लोग ब्रेक लगा दिया गया, बस का ड्राइवर ब्रेक लगा, तो हम लोगों का मोशन क्या है, हम लोगों का मोशन क्या होता है, हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चल जाते हैं। क्यों आगे की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि हम लोग बस की बस जब चल रहा था उस टाइम अगर हम लोग बस में बैठे हुए रहते तो हम लोगों के ऊपर हम लोगों का हम लोग भी उस बस का वेलोसिटी में आई मीन रिलेटिव बस के साथ रिलेटिव वेलोसिटी में मोशन में आगे की तरफ जाते हैं। अचानक से अगर बस स्टॉप हो जाता है बट हम लोग मास ऑफ इनर्शिया के लिए आगे की तरफ चल जाते हैं, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से वही टर्बाइन का ब्लेड कंटिन्यूअस स्पीड में रोटेट करते रहता है, तो इस कंटिन्यूअस रोटेशन को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग जेट से जेट को जनरेट करते हैं विद अ वेरी बिग वेलोसिटी, और वही जेट को ब्लेड के ऑपोजिट साइड में, ब्लेड का ऑपोजिट साइड में जो कर्वेचर साइड है, ब्लेड का ऑपोजिट साइड मतलब इस पोजिशन में, ब्लेड का ऑपोजिट साइड मतलब इस पोजीशन में, ब्लेड का ऑपोजिट साइड में स्ट्राइक करते हैं, जिसके वजह से वो जो मास ऑफ इनर्शिया के वजह से जो टर्बाइन का ब्लेड कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा था वो मेरा स्टॉप होता है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेकिंग जेट को रोटेट कर, ब्रेकिंग जेट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पेल्टन टर्बाइन। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास एंड दिस नोट्स विद दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन द YouTube. And I will give the link of this YouTube in the Moodle. So study this video lecture, and if you have any question, and I will discuss also in the Zoom class, in my Zoom class on 25th 2020. And if you have any question about this lecture or any part of this construction specification working principle of Pelton turbine, you can ask me in my Zoom class. And so now I'm concluding my class, and thank you. Thank you for attending my class, and have a nice day. Stay home and save life. Thank you.